और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेजी है और $1,225 प्रति औंस के ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव, और चांदी का भाव $15 प्रति औंस के ऊपर है। थोड़ी सी मजबूती आई है और बाजार की नज़र अब कल जो मिनट्स जारी होंगे FOMC मीटिंग पिछली मीटिंग के उस पर टिकी हुई है, और देखना होगा उसमें किस तरह के संकेत ब्याज दरों को लेकर मिलता है, उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। क्रूड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड जो है एक महीने के निचले स्तर पर है और $35.5 के करीब है WTI क्रूड का भाव, और ब्रेंट का भाव $37.5 प्रति बैरल के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार को करीब 3% की गिरावट आई थी, और उत्पादन को स्थिर रखने के मुद्दे पर सहमति नहीं बनने की आशंका है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा था। ईरान मार्केट शेयर वापस पाने की होड़ में शामिल हो गया है, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि जब तक ईरान प्रोडक्शन फ्रीज करने को लेकर आगे नहीं आएगा तब तक उत्पादन स्थिर रखने पर सऊदी अरब कोई फैसला नहीं लेगा। ये तमाम फंडामेंटल है। इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, करीब 1.5% नीचे है क्रूड और 2364 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है इस काउंटर में। नेचुरल गैस में करीब 0.5% की कमजोरी है, 133.50 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और साथ ही बात करें अगर यहाँ पर गोल्ड की, तो गोल्ड में करीब 112 रुपये की तेज़ी है और 28,500 के आसपास MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी में करीब 250 रुपये की मजबूती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेज़ी आई है उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की, तो वहाँ पर किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कॉपर में करीब 0.5% की मजबूती है, 316 के आसपास है MCX पर कॉपर का भाव, और निकिल में करीब 3 रुपये की गिरावट है, 556.20 के स्तर पर MCX पर निकिल में ट्रेड हो रहा है, और लेड में करीब 0.5% की मजबूती, 114 के ऊपर। जिंक में करीब 0.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, 122 के नीचे यहां पर ट्रेड हो रहा है। एग्री में आज ग्वार में गिरावट आई है कल की तेज़ी के बाद, 3282 के स्तर पर है ग्वार सीड अप्रैल वायदा का भाव, और ग्वारगम में 40 रुपये की नरमी, 5500 के स्तर पर ग्वारगम में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। चने की तेज़ी भी आज थमती हुई दिख रही है, करीब 7 रुपये नीचे है।